शुरू होगा जहाँ की, की टीम आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी और वही बैठिंग करने आएंगे श्री राम सेना के सलामी बल्लेबाज और यहाँ श्री राम सेना की कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद आप सभी को बता दें की आर सीजन एट के आज से प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं आज और आपको बता दें आरबीसीएल सीजन एड के ऑर्गेनाइजर बाबू जी फाउंडेशन जिसके संचालक माननीय डॉक्टर संदीप शिंदे सर और वही कोलाबरे जो हमारे वन हंड्रेड कैच के स्पॉन्सर है नाम है इंटीरियर उसके पहले जितने गणों ने कैचेस लिया था वो भेजे शुरू नहीं किया जाएगा इस मैच के मुख्य अम्पायर श्री धोनी पांबे और श्री नवीन वर्मा दोनों ही बहुत अहम भूमिका निभाते हुए आरबीसीएल सीजन एक के इस टूर्नामेंट में वही आप जो एक बार देख रहे हैं नरेश बाबो के बाद जब फ्रेंच पॉइंट जिसके संचालक वॉकी So <laughs>

दिखाने की कोशिश गेम को पहला रन तेजी से लिया रनआउट का चांस बनाती हुई यहां पे तंदूर किचन की, की टीम पे क्रं चुरायल खाना खोला Sabe? अच्छी गेंद वहां पे तालमेल बनाया की कोशिश और बेहतरीन गेंदबाजी Cena.

क्या की मांग है है कि ओवर समाप्त तीन ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर सत्रह रन दो विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी करने आए हैं फैयाज जो कि शक्ति ग्रुप एंड से करेंगे गेंदबाजी और अपना पहला टीम के लिए चौथा ओवर डालेंगे अब तक रोके रखा है बांधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज श्री राम सेना के धाकड़ बल्लेबाजों को वहीं अब यहां से शायद गेयर बदल के कुछ बड़े शॉट्स कुछ बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन देखने मिल सकता है हमें वास तैयार फयास की अगली गेंद सामना करेंगे निखिल पहली गेंद और कदमों का इस्तेमाल किया आगे बढ़ के मारने की कोशिश बल्ले का बाहर एक किनारा लगा और ज्यादा दूर नहीं जा पाई गेंद डॉट बॉल आती हुई अच्छी गेंद एक और डॉट बॉल आती हुई यहां आगे बढ़ के मारने की कोशिश अंपायर का इस सारा व्हाइट बॉल एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा यहां पे श्री राम सेना के खाते में वही एक और गेंद डालनी होगी को अतिरिक्त बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और वहीं पे फिर से चकमा दिया बल्लेबाज को अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं डॉट बॉल एक और आता हुआ नो बॉल का इशारा अंपायर टोनी तांबे द्वारा और हाइट के ऊपर से गई है गेंद वही दोनों ही अंपायर हमारे काफी समझदार और सूझबूझ के साथ अनुभव है इनका दोनों के हाथ एक साथ उठे थे इशारा अंपायर साहब का हेलीकॉप्टर घुमाया यानी फ्री हिट का इशारा लोअर फुल टॉस में तब्दील होती हुई गेंद और एक रन मिलेगा फ्री हिट गेंद थी फायदा नहीं उठाने दिया बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी अब तक यहाँ आलम दौरा इस ओवर में चार गेंदे हो चुकी है अब तक दो गेंदे बाकी मैं आप सभी को बता दूं मैं आप सभी को बता दूं कि बैट स्वाइपिंग इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग ओवर। ओवर समाप्त होने के बाद अगर आप चाहे कर सकते हैं पर इसके बाद आप सारे बल्लेबाज इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बैट ड्यूरिंग ओवर इज नॉट अलाउड। ऊंची गई थी मौजूद थे खिलाड़ी वहां पे बल्लेबाजी करने आए हैं राज अब तक इस टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का क्या करेंगे आप जिनका नाम है राज यहां मुश्किल वक्त है अब टीम का कि तीन विकेट गिर चुकी है और रन आए हैं केवल बीस पहली गेंद पे ओवर समाप्त बड़े रन लगाने की कोशिश बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हुए राज और पूरी तरह से चकमा दिया राज को ओवर समाप्त चार ओवर के बाद बीस रन तीन विकेट के नुकसान पे श्रीराम सेना वहीं फयाज आलम ने इस ओवर में एक विकेट चटकाया और दिए हैं केवल तीन रन चार ओवर में बीस रन तीन विकेट के नुकसान पे धीरे धीरे करके ये स्टेडियम में को सबाग का जहां पे आरपीसीएल सीजन एट का ये महामुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट स्टेज शुरू होती हुई नॉकआउट स्टेज का आज का ये पहला मुकाबला जो कि श्रीराम सेन और तंदूर किचन के बीच जो जीतेगा वो आगे जाएगा जो टीम यहां आज लूज करेगी उनका आरपीसीएल का सफर यही समाप्त इट्स वेरी सिंपल ई यू परफॉर्म और यू गो होम गेंदबाजी करने आए हैं आतु आशुतोष आशु कहा जाता है इन्हें और अब तक चार ओवर हो चुके हैं बीस ही रन आए हैं केवल तीन विकेट के नुकसान पे वहां मौजूद निखिल और राज बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रीराम सेना की ओर से फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं मैं आप सभी को बता दूं कि एक कप्तान को समय का विशेष ध्यान रखना है केवल पैंतीस मिनट दिए जाएंगे आपको अपना ओवर स्पेल करने वरना पेनल्टी लगेगी अगर आप डिले करते हैं चलिए अगली गेंद व्हाइट बॉल का इशारा बाहें खोल के बताते हुए अंपायर की बहुत दूर थी गेंद और वाइट बॉल एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर इक्कीस रन अब तक इस ओवर की एक भी गेंद शुरू नहीं हुई है पहली गेंद वाइट बॉल डाली अच्छी गेंद वहां पे डॉट बॉल आता हुआ कीपर के बाद से जाती हुई गेंद वहां पे पहला रन तेजी से लिया दूसरे की मांग सफलता पूर्वक पूरा किया दो रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स निखिल और राज द्वारा एक रन की मांग है तेजी से लिया एक रन और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, खिलाड़ी की नजरों के पास से चुराया रन जानते हैं कि एक एक रन कीमती है श्री राम सेना के लिए वह अब आशु की अगली गेंद का सामना करेंगे राज नॉकआउट मुकाबला है बहुत ज्यादा प्रेशर और हाई इंटेंसिटी मैच नो मैं लैंड पे गिरेगी रन की मांगी निखिल द्वारा राज ने मना किया डॉट बॉल धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये स्टेडियम में देख रहा हूं कि पब्लिक समय के साथ बढ़ती जा रही है इस मैदान में अगली गेंद बहुत बेहतरीन सा शॉट यहां पे कीपर के ऊपर से मार दिया है मौका नहीं बहुत देर से कोशिश कर रहे थे अंपायर का इशारा चार रन ये शॉट लगाते हुए राज और तूफान मचाने की कोशिश कर रहे हैं आज पांच गेंदे हो चुकी है आखिरी ओवर की एक और बार सही कोशिश वहीं पे मारने की पूरी तरह से चूके ओवर समाप्त पांच ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर अट्ठाईस रन तीन विकेट के नुकसान पे श्री राम सेना हैं है अठारह और रन उतने नहीं जितने की आवश्यकता है अब यहाँ गेयर बदलने होंगे बड़े शॉट लगाने होंगे क्योंकि एक विशाल का स्कोर बढ़ाना होगा गेंदबाजी करने आए हैं सौरभ और सौरभ इस टीम के आइकॉन प्लेयर हैं, सौरभ आकाश सैफू आइकॉन खिलाड़ी हैं, तंदूरस किचन के ऐसे समय पे ऐसे समय पे गेंदबाजी करने आए हैं कप्तान ने भरोसा दिखाया इस खिलाड़ी पे और ये खिलाड़ी रहवासी है गोंदिया के तंदूरस किचन के सौरभ अगली गेंद को तैयार सामना करेंगे निखिल स्लोवर डिलीवरी थी और अपील जोरदार पर वही हमारे अनुभवी अंपायर जो की तैनात और जानते हैं कि डिसीजन क्या होगा वही एक गाड़ी हमारे बीच आके रुकी है स्टेडियम के पास मुस्कुराते हुए हैंडसम से हमारे कमेंटेटर प्रतीक भाई बुट्टी बोरी से यहां मौजूद स्लोअर डिलीवरी एक बार फिर घुमा के मारने की कोशिश और एक रन चुराया नो बॉल का नो दिया गया है पे। और उसके साथ ये घूमी चक रही है यहां फ्री हिट का इशारा अब यहाँ इस बॉल पे आप क्या फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि ये फ्री हिट जरूर है यानी एक एडवांटेज बल्लेबाज के लिए व्हाइट बॉल का हिस्सा रहेगा तेरे रन जुड़ता हुआ फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा बहुत बेहतरीन सा शॉट अंपायर का इशारा शानदार की बहुत जरूरत अब इस टीम को काफी समय के बाद एक बड़ा देखने को मिला है वही अब यहां से क्या हम बेहतरीन और गगनचुंबी छक्के देख पाएंगे क्योंकि अब तक श्री राम सेना शायद चाह होगा कि कुछ विशाल स्कोर बनाए कहीं वही अच्छी गेंदबाजी तंदूर किचन द्वारा जिन्होंने तीन विकेट लिए और रन भी ज्यादा नहीं दिए अब तक रन की मांग है आने का कॉल दिया है यानी एक रन चुराएंगे बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन तीन विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रीराम सेना से राज और निखिल वहीं शक्ति ग्रुप एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ जो कि आइकॉन खिलाड़ी है गोंदिया से गई है गेंद वहां खिलाड़ी मौजूद जरूर थे पर मौका नहीं दिया और यह रन आउट का भी चांस बनता हुआ तालमेल में कमी बल्लेबाजों के और भाग्यशाली रहे एक ही गेंद में दो बार श्री राम सेना के बल्लेबाज पहले तो कैच छूटा और दूसरा यहाँ रनआउट का मौका अगर आप कैच लेते हैं ऐसा कहा जाता है पकड़िए कैच और जीतिए मैच ये शायद एक जीवनदान महंगा पड़ सकता है तंदूर किचन को एक रन की मांग तेजी से पहला रन लिया दूसरा दौड़ना चाहते थे पर अच्छा थ्रो वहां और ओवर समाप्त छह ओवर के बाद चालीस रन बढ़ता हुआ स्कोर तीन विकेट के नुकसान पे आरपीसीएल सीजन एट का ये प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट का पहला मुकाबला तंदूर की बनाम श्रीराम सेना जहां पे बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है श्रीराम सेना की टीम ने टॉस जीत के वहीं छह ओवर में अब तक बनाए हैं केवल चालीस रन तीन विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी तंदूर किचन की, की अब तक अंपायर हमारे दोनों अनुभवी श्री तोनी टांबे और श्री नवीन वर्मा जी चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ ही कॉमेंटेटर मुस्कुराता हुआ चेहरा और हसमुख सी जान नाम इनका प्रतीक और बढ़ाते हैं हर टूर्नामेंट किसान तो देखा जाए तो आपके बारे में भी, भी एक कहना ही चाहूंगा मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे जानो भैया फूल खिलते हैं बाहरों का समा होता है और ऐसे क्रिकेट के मौसम में प्यार जवा होता है दिल की बातों को हम कभी कभी होटों से नहीं कहते क्योंकि ये सब कुछ जो है कारवा आंखों से ही बया होता है तब तक देखा जाए तो श्री राम सेना के चालीस रन के निजी स्कोर पे तीन झटके लग गए और यहाँ से बारह गेंदे आना बाकी और बारह गेंदे देखते हैं किस तरह होती है तो ये मुकाबले की बापू फाउंडेशन एंड की ओर से सातवा ओवर देखते हैं किस तरह होते हैं तो फिलहाल में स्ट्राइक पर है निखिल नॉन स्ट्राइक पर राज पहली गेंद सातवें ओवर की पहली गेंद रिवर्स अटैम्प करना चाहते थे कोई क्षति नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट आती हुई गेंद ये जो ग्यारह गेंदों में आतिशबाजी की जरूरत होंगी श्रीराम सेना के सभी बल्लेबाजों को खास करके गेंद आशुतोष जानेंगे कि ये का अच्छा और जाए क्योंकि अभी तक उनके सभी गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की लेकिन जहां तक राज और निखिल जाएंगे कि यहां से कम से कम तीन या चार छटकारो फिर से एक बार तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद डॉट आती हुई गेंद काफी तेज रफ्तार से मानो की आज के दिन की मैच की सबसे तेज गेंद कहूंगा मैं आशुतोष द्वारा दो गेंद तो डॉट डाली है अंतिम ओवर की उनके लेकिन देखते हैं अगली चार गेंद किस तरह होती है तो अगली गेंद फिर से एक बार सामने होंगे राज पुल कर दिया है फाइनलिक के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे तैनात या दर्शक बनेंगे या फिर कैच बेहतरीन प्रयास पे देखते हैं अतीजा अभी बाकी है लेकिन प्रयास बहुत अच्छा एक मिनट डीजे मास्टर प्रयास तो काफी अच्छा था उस खिलाड़ी के दोस्तों तालियां होनी चाहिए जो कुछ भी डिसीजन आएंगे लेकिन तालियां होनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए त्याला खेळाडूला विनंती करते की कुठल्या प्रकारचं आर्ग्युमेंट नको करा कुठल्याही खेळाडूसोबत कुठल्याही संघासोबत कुठलंही नुकसान नाही होणार आहे सध्या डिसिजन अजून पेंडिंग आहे जॉनी भाई टूर्नामेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो हम धन्यवाद देने जाएंगे हमारे सभी आयोजकों को खास करके बाबूजी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत डॉक्टर संदीप जी शिंदे एस एस स्टडी सर्कल शारम स्पोर्ट एकेडमी शक्ति ग्रुप्स हमारे सभी स्पॉन्सर तथा तो हमारे श्री इरफान सर श्री रोहित भैया हमारे अंपायर्स डब्ल्यू कमेटी और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का हम धन्यवाद व्यक्त करते इतने दिनों से इन्होंने जो मेहनत की है अपना वक्त गुजार के यहाँ पर आर में वक्त दिया है हम यही चाहेंगे कि आने वाले तीन और चार दिन इनकी हमें और जरूरत है क्योंकि इनके मेहनत के बिना आरपीसीएल अधूरा है भाई बिल्कुल सही कहा प्रतीक भाई वहीं आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा कि इरफान भी आ रोहित भी अंपायर साहब सब Did you? तर चला पंचांना विनंती कर करतो की आपला अंतिम निर्णय आम्हाला कळवावा तर इथेचा मागच्या चेंडूवर जो उंच शॉट लागला होता त्या दिशेने लागला होता लेगच्या दिशेने आणि डिसिजन थोडा पेंडिंग होता त्यानंतर डिसिजन आलेला आहे आणि षटकार खूप चांगला असा प्रयत्न त्या खेळाडूने केला होता परंतु त्याला पूर्णपणे यश आलं नाही गेन फिरसे एक बार खेल दिया है वहां पर इसको गेंद गई है एसी मारे का बार चार के लिए चार गेंदे हुई है दो गेंदे बाकी डीजे तो देखिए जोनी भाई पहले दो गेंदे में कोई रन नहीं थी उसके बाद में एक सिक्स आया उसके बाद कॉन्फिडेंस बड़ा बल्लेबाज का और फोर आया अगली दो गेंदे आना बाकी है अगली के 9 13 की फिर से एक बार खेल दिया आई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क के लिए अब तक 16 2 स्कोर में है ना बाकी है अगली के 9 13 की फिर से एक बार खेल दिया आई डीप मिड विकेट के तर चला माझक मागच्या षटकार सांगून गेला की क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी कोणाला कमी लेखू नका पहिले दोन चेंडू निर्धाव होते त्यानंतर अतिशबाजी झाली आणि आता समोरचे चेंडू बघूया कशाप्रकारे घडतोय तर समोर असणार राजडच्या दिशेने टाकलेले चेंडू Đi dưỡng, त्याला थोडा वेळ घेऊन आमच्या पंचांनी निर्णय सांगितलेला आहे आणि खूप चांगली अशी पंचगिरी ते बघायला मिळालेली आहे कुठल्याही खेळाडूंसोबत कुठल्या संघासोबत नुकसान नको वाईट च्या अतिरिक्त एक धाव आलेली आहे म्हणजे चेंडू गोलंदाज टाकावं लागणार अच्छा गेने फिरसे एक बार खेळ है थोडा ग्राउंड शॉट्स लगाया मात्र एक रन से संतुष्ट पिछले ओव्हर में सात ओव्हर में जब रन थे चालीस पिछले ओवर में कुल मिला के अठारह रन आए जोनी भाई और अब जाके स्कोर जहाँ पहुंचा है सात ओवर की समाप्ति के बाद फिफ्टी एट छह गेंदे बची है क्या लगता है पिछले ओवर में अठारह आ गए हैं आने वाले छह गेंदों में कितने रन आते हैं या फिर कितने विकेट आ सकते हैं इस मैच को देखा जाए तो अब तक फिफ्टी गेंदबाजी करने आए हैं फैयाज और ये डालेंगे शक्ति ग्रुप एंड से सामना करेंगे राज अब तक अट्ठावन रन तीन विकेट के नुकसान पे ऊंची गई थी गेंद आसान सा कैच था फिर से एक बार भाग्यशाली रहे राज एक और ड्रॉप कैच एक और गलती होती हुई यहां इजी सा कैच था प्रेशर देख रहे हैं आप ये होता है क्रिकेट का प्रेशर ये होता है प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट का प्रेशर और प्रेशर के साथ साथ वहीं पे आरपीसीएल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए हर किसी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, जानते हैं कि मुकाबला और टूर्नामेंट काफी बड़ा खिलाड़ी मौजूद जरूर वहां पे पहला रन तेजी से लिया है दूसरे की मांग मिलेगा नहीं एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को बढ़ता हुआ स्कोर साठ रन चार गेंदे बची हैं इनिंग की देखते हैं कि कुछ बड़ा शॉट्स लगाने में कामयाब होंगे बल्लेबाज या नहीं अंपायर की उंगली उठती हुई निश्चित थी आवाज आई थी आउट करार दिए गए बाहरी किनारे बल्ले का और एक आसान सा कैच कीपर के हाथों इस बार भाग्य ने बार साथ नही नहीं दिया पवेलियन जान वही हमारे बीच इस मैच में मौजूद है एसएसडी सर्कल के प्रोपराइटर संदेश स्वागत है सर आपका साहब की एक और विकेट आता हुआ आउट करार दिए गए यही बल्ले का हल्का सा किनारा लगा कीपर के हाथ में विकेट तो सर स्वागत है सर आपका उंगली की एक और स्कोर तिरसठ रन पांच विकेट पे याने अब श्रीराम सेना ने तिरसठ रन बनाए हैं और अब तंदूर्स किचन को बनाने होंगे 64 रन यानी 64 रन्स आठ ओवर में वहीं हमारे बीच वीआईपी स्टेज पे मौजूद एस स्टडी सर्कल के प्रोप्राइटर संदेश सर स्वागत है सर आपका यही आपको बताना चाहेंगे प्री क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट मैचेस में संदेश सर के तरफ से एक बहुत बड़ा सहयोग और योगदान आया है कि संदेश सर ने ये हमें हमारे कमेटी को एक अपना सहयोग दिया है जो कि हर बार बैग जो ऐसे स्टडी सर्कल के बहुत बेहतरीन से बैग्स हैं जो ट्रैवल बैग्स कैरी बैग्स रहेंगे वो सर की ओर से खिलाड़ी को मैन ऑफ तो द मैच खिलाड़ी को दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका डीजे आरपीसीएल सीजन एट का ये थर्टींथ यानी तेरवा दिन और अब बॉल आती हुई पहली गेंद पे जोश और जज्बा बरकरार दोनों ही टीमों का अगली गेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश वाइड बॉल का इशारा विकेट से काफी दूर गई थी गेंद अंपायर की नजरे काफी तीखी और तेज वाइड बॉल का इशारा तेरे ने पहला रन आया इस टीम के खाते में और वो भी बल्ले से नहीं वाइड बॉल यानी एक अतिरिक्त रन आया बाहें खुली अंपायर साहब की एक बार फिर और एक और अतिरिक्त रन यानी दो रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में और वो भी एक्स्ट्रास के रूप में प्रेशर दिखता हुआ गेंदबाज पे भी जानते हैं कि अगर सामने डालेंगे तो शायद बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाए कैच की आवाज आई थी बल्ले से सही संपर्क नहीं खिलाड़ी के सुरक्षित हाथों में गेंद डॉट बॉल। ये अच्छी गेंद है ये पिछली दो गेंदों के मुकाबले निश्चिंत ही अच्छी गेंद है प्रतीक भाई क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहूंगा की श्रीराम सेना की शुरुआत काफी अच्छी हो रही है गेंदबाजी की क्योंकि पावर प्ले के अंतर्गत फेंका जा रहा है प्रथम ओवर है तो कुछ गेंदे तो काफी अच्छी हुई लेकिन तंदूरी किचन के बल्लेबाज भी चाहेंगे कि रन बनाए अगली गेंद हुए गेंदल पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं मिस फील्डिंग हुई हल्की सी उसके फलस्वरूप दो रन तो चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने जहां तक देखा जाए तो नाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट में ऐसी फील्डिंग कभी मिस होती है लेकिन एक मौका था फील्डिंग सही करने का लेकिन कोई नुकसान नहीं एक्चुअल टप्पा खा के घूम गई थी गेंद क्या सही कहा आपने ऐसी गेंद घूमती है क्योंकि पॉइंट के क्षेत्र में तेज रफ्तार से शॉट होता है अगली गेंद अच्छी गेंद फिर से कहा बल्ले का बाहरी किनारा फिर से एक बार मिस फील्डिंग नजर आई जहां तक देखा जाए तो नहीं होना चाहिए था ऐसे ऐसे एक एक दो दो रन बचाने होंगे श्री राम सेना को अगर ये मुकाबले में पूरी तरह बने रहना है तो क्योंकि 64 रन का जो लक्ष्य है ज्यादा टारगेट टर्गे, टारगेट नहीं है इसके लिए ऐसी फील्डिंग तो एक एक रन बचाने होंगे टोनी भाई यही कहूँगा मैं टोनी भाई अंदर है आपके बाजू है जोनी भाई और तो फिलहाल में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल होंगे पहली बार फेस करेंगे देखते हैं बाबूजे फाउंडेशन की ओर से यश की गेंद किस तरह होती है तो पांचवी गेंद इस ओर की अब तक मात्र 5 रन खर्च किए जिसमें के दो वाइट्स थे और बाकी के रन एक्स्ट्रा के रूप में नहीं बल्ले से आए लेकिन वो भी कहूंगा मैं मिसफील्डिंग के कारण आए अगली गेंद यश की सामने होंगे बल्लेबाज निखिल फुल टॉस गेंद इस ओवर की दूसरी फुल टॉस गेंद जहां तक देखा जाए तो थोड़ी नीचे इसका मतलब यह है कि डॉट गेंद गेंद है ओवर की पांच गेंदे हुई हैं अंपायर साहब एक गेंद बाकी अंपायर साहब हम ध्यान रखेंगे अगली बार पांच गेंदों के बाद आपको भी एक बार ऑडियंस के लिए बोल देंगे तो चलो अब तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी कहूंगा श्री सेना के गेंदबाजी द्वारा अंतिम गेंद स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया खिलाड़ी वहां पे तैनात थोड़े थम्बल हुए थ्रो गलत एंड जी नहीं जहां तक देखा जाए तो एक रन की मांग और एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचाए 6 रन लॉस ऑफ नो विकेट वहाँ पे चाहेंगे कि श्रीराम चेना यहाँ से झटका ले पहला ओवर तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला यश का मात्र छः रन खर्च किए लेकिन कोई विकेट नहीं लेकिन अच्छी गेंदबाजी कहूँगा मैं पावर प्ले के अंतर्गत साई बाबा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आएं जल्द से जल्द ओवर टू प्रतीक भाई तो 42 गेंदे अभी बची है इस मैच की और लग रहे हैं 58 तो जॉनी भाई इससे पहले इसके बाद का जो मुकाबला है उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें क्योंकि दर्शकों बेकरार है अगला मैच का इंतजार करने के लिए तो शक्ति एंड से लेके आएंगे केतन सामने होंगे बल्लेबाज निखिल और वहां हुआ आपको बता दें आरपीसीएल सीजन एट का ये बेहतरीन सा मुकाबला जो नॉकआउट में पहुंच गया है अब पहला मुकाबला वहीं इस टूर्नामेंट इस के ऑर्गेनाइजर बाबूजी फाउंडेशन जिसके संचालक माननीय डॉक्टर संदीप शिंदे सर वहीं कोलैबोरेटेड है शक्ति ग्रुप ऐसे सर्कल और शालम स्पोर्ट्स अकेडमी अगली गेंद को तैयार अच्छी गेंद वहां पे रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को गिल्लियां उखाड़ दी और विकेट आता हुआ श्रीराम सेना के खाते में पहला झटका तंदूर किचन को और वही अपनी बैट के साथ बल्लेबाज क्रीज की और नाम है इनका बिट्टू यानी राजीव शर्मा आप सभी को बता डीजे आप सभी को बता दें कि मैच में मैच के दौरान बैट स्वैपिंग बैट चेंज करना अलाउड नहीं है हर बल्लेबाज इस चीज का विशेष ध्यान रखें वहीं गेंदबाजी कर रही टीम के कप्तान आपको पैतीस में थर्टी फाइव मिनट दिए जाएंगे इन 35 मिनट्स के टाइम में आपको अपने आठ ओवर का स्पेल खत्म करना होगा अगली आवाज हमारे भाई प्रतीक भाई की धन्यवाद जॉनी भाई तो देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण आपने सभी को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि और ये इंस्ट्रक्शन सभी को फॉलो भी करने हैं अगले बल्लेबाज आए हैं राजू तंदूरी को लगता हुआ तो देखते हैं कि केतन ने काफी अच्छी वापसी की है श्रीराम सेना के लिए अगली गेंद केतन की शक्ति एंड से सामने होंगे राइट हैंड बल्लेबाज राजू राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं डीजे साहब इधर आएंगे प्लीज अच्छी गेंद वहाँ पे कट कर दिया खिलाड़ी वहाँ पे तैनात दौड़ाती हुई गेंद तो बेहतरीन गेंदबाजी कहूँगा मैं केतन द्वारा अभी जहाँ तक देखा जाए तो यश इन्होंने पहला ओवर काफी अच्छा लगाया था उसके बाद केतन उसी छोर पर गेंदबाजी कर रहे हैं एक विकेट भी लिया उन्होंने लेकिन कोई रन नहीं दिया खेलना चाहते थे चौथी डॉट गेंद यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं केतन द्वारा लगातार चार गेंदे डॉट डाली है इस मैच में श्रीडाम सेना की ओर से शक्ति एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज केतन जहां पर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने अभी आए हैं राजू जानते हैं कि थोड़ा विकेट को पड़ेंगे उसके बाद उनका एक अंदाज में बल्लेबाजी हो पांचवी गेंद इस ओर की सामने होंगे राइट हैंड बल्लेबाज राजू सुप कर दिया वहां पे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं मिड विकेट के खिलाड़ी तब तक कलेक्ट कर पाते एक की मांग और उसमें भी लगभग सफल इस एक को जोड़ दिया जाए तो अब तक सात और हम सबका भी है आपके साथ, साथ। आप सब का भी है हमारे साथ इसलिए -सी टूर्नामेंट सीजन आठवा अंतिम गेंद सबका साथ सबका विकास तो देखा जाए तो मैं यही चाहूंगा श्रीराम सेना से यही विनती करूंगा कि समय जाया ना करे क्योंकि बार बार हर गेंद पे आप फील्डिंग चेंज कर रहे कर सकते हैं लेकिन विकेट्स को भी देखिए उसके बाद टाइम को भी देखिए अंतिम गेंद की स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया अपने फॉलोअ में रोकना चाहते थे असफल लेकिन मेड ऑफ के खिलाड़ी ने रोक दिया इसी बीच ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति के बाद तंदूरी किचन का रुका हुआ स्कोर जा पहुंचा है मात्र सात रन अब लग रहे हैं छत्तीस गेंदों में 57 रन की दरकार जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है उसके बाद एक ही चीज कह सकते हैं कि तुम पर भी यकीन है और खुद पर भी एतबार है देखते हैं पहले क्या मिलता है दोनों चीजों का इंतजार है हार और जीत का फैसला कुछ ही गेंदों में होने वाला है सीजन एट के नॉकआउट का पहला जो कि श्री राम सेना और किचन के बीच इंटेंसिटी का मैच गर्माहट बढ़ती हुई और वही शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक में को सब के इस मैदान में क्या कहेंगे प्रतीक भाई यही कहूंगा कि दोनों टीमों के लिए अब मौका मिल गया है इस मुकाबले में बने रहने का क्योंकि 36 गेंदे फिफ्टी सेवन रन की दरकार इसका मतलब ये है कि हर ओवर दस रन बनाने पड़ेंगे लेकिन यहाँ से अगर तंदूरी किचन से पार्टनरशिप नहीं बना पाती तो पूरी तरह मैच से बाहर भी हो सकती है लेकिन अगर एक पार्टनरशिप हो जाए तो मैच में फिर से एक बार बनी रहेंगी अब तक का स्कोर दो के समाप्ति के बाद सात रन यहाँ से लग रहे हैं छत्तीस गेंदों में फिफ्टी सेवन रन की दरकार बाबू जी एंड से तीसरा ओवर व्यक्तिक दूसरा ओवर लेके आएंगे इस मैच के तुरंत बाद एक और बड़ा मुकाबला जो कि खेला जाएगा बी एस बनाम साई बाबा के बीच साई बाबा की टीम ने टॉस जीत के बल्लेबाजी की है पहली गेंद थोड़ी दिशा से भटके वाइड्स के रूप में आ रही है अतिरिक्त रन और इस मैच की तीसरी वाइड कहूंगा मैं यहाँ पे पहली वाइड पहले ओवर में आई थी दूसरी भी वाइड पहली ओवर में आई थी और यहाँ पे तीसरे ओवर में तीसरा वाइड आता हुआ इसे एक को जोड़ दिया जाए तो आठ अगली गेंद सफल हुए खेल दिया हुआ पे ग्राउंड शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और मात्र एक ही रन से संतुष्ट तो देखा जाए तो अभी तक तो कोई बाउंड्रीज नहीं देखने को मिली तंदूरी किचन के बल्लेबाजों द्वारा लेकिन अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी हो रही है श्रीराम सेना द्वारा अगली गेंद बाबूजी फाउंडेशन एंड से लेके आएंगे यश शपलू है पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिए ऊपर उठी गए दूसरा झटका बल्लेबाज नाशिद को जाना होगा में पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिए ऊपर उठी गए दूसरा झटका प्रतीक भाई आपने बल्ले कहा बल्ले... कि अब तक काफी शानदार बल्लेबाजी बेहतरीन गेंदबाजी और बहुत जबरदस्त फील्डिंग देखने मिली वही आप एक चीज और ध्यान दें तो अब तक मुकाबलों में जब तक जिन मुकाबलों में बेहतरीन इन इंटेंसिटी देखी गई वहीं सेवा पे पर और पिन पॉइंट डिसीजन देते हुए हमारे दो अनुभवी अंपायर टोनी तांबे और नवीन वर्मा जिन्होंने पूरा कार्यभार अब तक बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है मुस्कुराते हैं हंसते हैं एक दूसरे से बात करते हैं और नाव दोनों ही टीमों की अगर रही तो वहाँ पे दोनों ही टीमों का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ कुछ नया हो और डिसीजन बहुत प्रॉपर इन दोनों अंपायर द्वारा जी हाँ सही कहा आपने अगर धन्यवाद से भी बड़ा शब्द होता तो हम उनको कहते फिलहाल में बल्लेबाज पार्टनरशिप करते हैं उसी तरह अंपायर्स के बीच में भी पार्टनरशिप होना जरूरी है और उसका प्रमाण है हमारे नवीन भाई और टोनी भाई बढ़ते हैं मैच की ओर चिकन पे कट कर दिया है विकेट कीपर अपने झोले में लेते गेंद तब तक डॉट आती हुई गेंद तो तीसरी गेंद देखने को मिली इस ओवर की डॉट देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी कहूँगा कहूंगा मैं चलो देखते हैं यहाँ पे जरूरत है फयाज को अच्छी बल्लेबाजी करने की राजीव का साथ देने की देखते हैं यश की गेंद किस तरह होती है बाबूजी फाउंडेशन एंड की ओर से अब तक अच्छी गेंदबाजी की यश इन्होंने इस मैच में अगली गेंद सामने होंगे फयाज शॉट खेल दिया वहाँ पे खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पे अपनी टीम के लिए लगभग दो रन तो रोक ले उस खिलाड़ी ने और इस एक रन को जोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ दस अब तक दस हो चुकी है और पूरे क्रिकेट विश्व में यह दस का आंकड़ा शुभ आंकड़ा माना जाता है तो अंतिम दो गेंदे आना बाकी है फिर से एक बार ऑन के क्षेत्र में खेल दी मिड विकेट के खिलाड़ी कलेक्ट कर पाते तब तक एक ही रन मानो कि तीसरे ओवर चल रहा है और अभी तक रुका हुआ स्कोर मात्र ग्यारह है अंतिम गेंद देखते हैं किस तरह हो इजर बाबूजी फाउंडेशन कोलैबोरेशन किया है बर्डे ग्रुप शक्ति ग्रुप एस एस स्टडी सर्किल और शालोम स्पोर्ट्स एकेडमी ने चलिए अगली गेंद को तैयार गेंदबाजी करने आए हैं निलेश।

State के क्षेत्र में खेल दिया खिलाड़ी वहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन एक रन तो लगभग चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली स्टेट के क्षेत्र में फील्डिंग इसलिए बेहतरीन थी क्योंकि उस जगह पे श्रीराम सेना के जॉन्टी खड़े थे जॉन्टी रोज इस टीम के नाम है इनका राज दा बाई दा बाई दा बाई। <laughs> फिर से एक बार मिडौन के क्षेत्र में खेल दी क्या पहला सिक्स आता है इस मैच का जी हा पहला सिक्स आता हुआ राजीव के बल्ले अच्छा ये मौका लगा था लेकिन कोई ऑन होता हुआ निगाह है से एक बार जहां तक देखा जाता सिक्स के बाद करेंगे राजीव तो चलो मैच की चौथी वाइड यहाँ पे देखा जाए तो अब तक 21 बने हैं 22 बने हैं लेकिन उसमें की चार जो है रन आए हैं वाइट्स के रूप में आए हैं फील्डिंग अच्छी देखने को मिली चेसिंग भी काफी अच्छे देखने को मिली बॉल के पीछे लेकिन जो अंकुश है गेंदबाजी करने का वो सही तरह से नहीं देखने को मिला चार एक्स्ट्रा अगली गेंद नीलेष की सामने होंगे राजू शफल हुए मिड विकेट और डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया कैच होता है या नहीं और यहाँ पे बेहतरीन कैच अगर ये कैच पसंद आया होंगे तो टालिया बननी चाहिए दर्शकों वही हमारे बीच अपना कीमती वक्त डीजे सफल हुए वही हमारे बीच हमारा के क्षेत्र में टूर्नामेंट और सफल बनाने के लिए और की और कदम बढ़ा रहे हैं रान अभिया स्वागत है सर आपका इस टूर्नामेंट के इस मंच पे और आपके योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीजे डीजे साहब रोमांच बढ़ रहा है इस टूर्नामेंट का और आप प्यार मोहब्बत में अटके हैं थोड़े धूम मचाने वाले गाने बजाइए जरूर तो चलो इसी बीच चार ओवर की समाप्ति होती है और चार ओवर की समाप्ति के बाद तंदूरी किचन टीम का स्कोर जा पहुंचा है मात्र 22 रन लॉस ऑफ थ्री विकेट चौबीस गेंदे शेष है इस मुकाबले की और लग रहे हैं रन तो फोर टू टू, टू फोर इक्वेशन किस तरह होता है तो इस मैच का बाबूजी फाउंडेशन एंड से पांचवा ओवर और वह दूसरा ओवर लेके आएंगे केतन पहली गेंद काफी अच्छी देखने को मिली दिशा से भटके पांचवी वाइड गेंद पांचवी ओवर के, के पहली गेंद में देखने को मिली इसे एक को जोड़ दिया जाए तो अब तक का ट्वेंटी थ्री होते हुए अब लग रहे हैं चौबीस गेंदों में इकतालीस रन ये लाइन गेंदबाजी मिडौन के क्षेत्र में खेल दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात एक रन की मांग और उसमें भी सफल क्यों इस तरह की गेंदबाजी और क्यों इस तरह के स्लॉग ओवर के मैचेस में ऐसे मैचेस होते हैं यह जता दिया है श्रीड्राम सेना ने आने वाले तीन दिन बचे और तीन दिनों में से ये जो मुकाबला है ये प्रमाण देता हुआ कि यहाँ से गेम आसानी से होगा नहीं लड़ना पड़ेगा फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद के अपने फॉलो में रोकते अच्छी गेंद यहाँ पे तो बेहतरीन गेंदबाजी पहली दो गेंद तो काफी अच्छी देखने को मिली तो देखते यहाँ पे प्रथमेश किस तरह बल्लेबाजी करते इस मैच में क्योंकि दरकार है बाईस गेंदों में चालीस रन की अगर यहां से एक बाउंड्री आती है तो जो संतुलन है कभी इधर तो कभी उधर हो सकता है ये क्रिकेट का मैच है ये का टूर्नामेंट का मैच और अहम मुकाबला है अगली गेंद अगली गेंद के पहले आप सभी को बता दें कि ये जो का मैदान खचा खर्च भरा हुआ स्टेट के क्षेत्र में खेल दिया है खिलाड़ी दर्शक का खिलाड़ी पूरी तरह बने दर्शक गेंद गई का पार छे के लिए जी बिल्कुल अच्छा शॉट था प्रतीक भाई एफर्ट लिया वहां पे खिलाड़ी, खिलाड़ी ने फील्डर जो मौजूद थे और फील्डर ने पूरी तरह से कोशिश की और कोशिश इस तरह से की कि सिर्फ देखा गया बॉल को बेहतरीन शॉट यहाँ बल्ले बजा हुआ फिर से एक बार उसी तरह की गेंद अंपायर का डिसीजन वाइड छठी वाइड इस इनिंग की और अब तक इस वाइड को जोड़ दिया जाए तो स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इक्कीस इस मुकाबले की फिर से एक बार स्लोअर वन गेंद देखने को मिली डी हुई गेंद टप्पा खाके पूरी तरह हलचल उस गेंद में देखने को मिली अब यहाँ से इक्वेशन इस तरह होता हो बीस गेंदे बची इस मैच की और बीस गेंदों में लग रहे हैं डबल थ्री तेहत्तीस रन लग रहे हैं पिछला जो प्रथमेश के बल्ले से सिक्स आया था काफी बेहतरीन वापसी की उसे सिक्स ने लेकिन चाहेंगे केतन की उनकी वापसी हो अगली गेंद आती हुई गेंद वहां पे बाईस के रूप में रन आ सकते हैं चुरा लिए वहां पे एक रन दोनों बल्लेबाजों ने गलत विकेट कीपिंग कहूंगा मैं इस ऐसे मोड़ के ऊपर अंतिम गेंद ओवर की देखते हैं किस तरह होती है तो 19 गेंदे और 32 रन मानो कि हर ओवर में 10 रन यानी एक हिट तो लगाना ही पड़ेगा बल्लेबाजों को देखते हैं अंतिम गेंद केतन की किस तरह होती है तो पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया खिलाड़ी वहाँ पे तैनात सिंगल डबल से ही काम चला रहे हैं जानते हैं अगर एक सिक्स आया तो उसी तरह का प्रदर्शन हो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट हो इसी बीच ओवर की समाप्ति पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है डबल थ्री फॉर थ्री पूरी तरह ये मैच दोनों टीमों के पक्ष में झुकता हुआ और यहाँ से अठारह गेंदों में लग रहे हैं इकतीस रन और यहाँ अठारह गेंदों में इकतीस रनों की जरूरत डीजे साहब करो या मरो का मुकाबला आरपीसीएल सीजन एट का नॉकआउट मुकाबले चालू हुए हैं आज से और ये पहला मुकाबला शुरुआत क्या आगाज हुआ है इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों का बिल्कुल सही क्योंकि आप जानते हैं हम जानते हैं पहला जो इनिंग था वहां पे काफी ऐसा लग रहा था कि श्री राम सेना ने बल्लेबाजी करते हुए रन काफी कोशिश की है पर बनाए हैं कुछ कम वही गेंदबाजी में रोका रखा है अब तक तंदूर किचन को आरपीसीएल सीजन एट जिसके ऑर्गेनाइजर बाबूजी फाउंडेशन शक्ति ग्रुप बर्थडे ग्रुप एस एस सर्किल और सालोम स्पोर्ट्स अकेडमी तो देखा जाए तो हमारे सभी जितने भी आयोजक है उनकी मेहनत की वजह से आप आरपीसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पर्व आठवा एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से कुछ दिन के बाद हमें इस टूर्नामेंट का चैंपियन मिल जाएगा फिलहाल में बढ़ते ये चैंपियन मुकाबले की ओर अठारह में लग रहे हैं थर्टी वन सामने है, सामने है देखते हैं किस तरह बल्लेबाजी होती है इस मैच में वही आपको बता दे कि आरपीसीएल का ये जो मैच चल रहा है नॉकआउट मुकाबला बहुत दर्शक मौजूद बिल्डिंगों पे बैठ के देखा जा रहा है इस मैच को खचाखच खच भरा स्टेडियम अगली गेंद पहली गेंद क्षेत्र में खेल दिया है गेंद गई है आउट ऑफ दर्क और, और पच्चीस रन पूरी तरह गेम ऑन होता हुआ कभी इधर तो कभी उधर झुकता हुआ ये मुकाबला पिछले ओवर में प्रथमेश ने सिक्स लगाया था और इस ओवर में फयाज ने सिक्स लगाया है दूसरी गेंद नीलेश की सामने होंगे फयाज फिर से एक बार हल्के हाथों से लेग स्लिप के क्षेत्र में खेल दिया डॉट आती हुई गेंद इक्वेशन इधर तो कई उधर सोलह गेंदे पच्चीस रन की दरकार मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये जानते हैं सभी दर्शक आप सभी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिस तरह मुकाबला चलता हुआ बड़ा शॉट लगाया फिर डॉट बॉल यानी एक गेंद बल्लेबाज के लिए एक गेंद गेंदबाज के लिए चलिए अगली गेंद की ओर चलते हैं फिर से एक बार खेल दिया वन हंड्रेड शॉट खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पे तैनात कैच होता है या नहीं और यहाँ पे बेहतरीन कैच देखने को मिला चौथे विकेट का पतन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे फैयाज अब तक फिर से एक बार खेल दिया वन हंड्रेड शॉट खेल दिया खिलाड़ी वहां पे तैनात कैच होता है या नहीं और यहाँ पे बेहतरीन कैच देखने को मिला चौथे विकेट का पतन तो चलो चौथे विकेट का पता नहीं पंद्रह मुकाबला सभी जन कर रहे हैं जानते हैं कि ये जो मुकाबला है इस टूर्नामेंट का स्लॉक दिनों का बेहतरीन मुकाबलों में से एक मुकाबला नीलेष की अगली गेंद इस मैच का प्रसारण देखने हमारे साथ कमेंट्री तो बॉक्स पर जुड़े हमारे बट भैया बल्लेबाज बल्लेबाज का नाम बताएं बल्लेबाजी करने आए हैं आशु कट करना चाहते थे डॉट आती हुई गेंद देखिए ये होती है वापसी पहली गेंद में सिक्स खाया था नीलेश ने उसके बाद चार गेंदों में से तीन गंदे डॉट और एक महत्वपूर्ण विकेट बेली इसको कहते हैं एक्सपीरियंस और अपना पूरा एक्सपीरियंस इस मैच में झोक रहे हैं गेंदबाज नीलेष क्यों उनको इस टीम का रबाड़ा कहा जाता है उनका प्रमाण उन्होंने इस मैदान में इस मैच में बता दिया है अगली गेंद कट कर दिया वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी पे तैनात चाहेंगे कि एक ही रन हो जी हाँ एक ही रन इस एक को जोड़ दिया जाए तो अब तक होते हैं चालीस और तेरह गेंदों में लग रहे हैं यहाँ से ट्वेंटी फोर रन देखते हैं अंतिम गेंद किस तरह लगाते हैं नीलेश तो अब तक गेंदबाजी में अठारह रन खर्च किए और मात्र दो सफलता ली और महत्वपूर्ण सफलता ली है अंतिम गेंद नीलेश की फिर से एक बार राउंड शॉट खेल दिया ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर आज कोई गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी मात्र एक ही रन से संतुष्ट इस एक रन को जोड़ दिया जाए तो अब तक फोर्टी वन छह ओवर के समाप्ति के बाद तंदूरी की टीम का स्कोर जहां पहुंचा है फोर्टी वन रन लॉस ऑफ फोर विकेट बारह गेंदे शेष इस मुकाबले की और बारह गेंदों में लग रहे हैं ट्वेंटी थ्री रन ऐसे मुकाबले हमने इसी मैदान के ऊपर देखे है कभी चेस होते हुए कभी डिफेंड होते मुकाबले काफी देखे हैं इस मैदान के ऊपर इस तरह के तो चला श्रीराम राम संघ कुछ प्रकार ऐसी वेड़ वा घू ना आता पर भरपूर वे ब्रेक घोड़ विनंती करते थोड़ा सहयोग दिया श्रीराम संघ तो चला लवकर तो क्षेत्र रक्षण करना सज्ज असाव बारह गेंदे बची और बारह गेंदों में लग रहे ट्वेंटी थ्री रन और मैं चाहूंगा कि यहाँ से कोई ब्रेक ना हो श्रीराम सेना त्याला लवकरात लवकर सामन्याकडे वळूया शेवटचे बारा चेंडू या सामन्यातले उरलेले आहे आणि बारा चेंडू मध्ये विजयासाठी धावा लागत आहे ट्वेंटी थ्री म्हणजे तेवीस धावा लागत आहे बघूया हा सामना कसा होतो तर आतापर्यंतचा हा सामना खूप चांगला झाला दर्शकांना एक विनंती आहे इथे भरपूर सारे दर्शक आहे हा सामना आवडला तर या सामन्यासाठी मित्रांनो टाळ्या वाजवा खूप चांगला आणि उत्तम दर्जाचा सा सामना आपल्याला बघायला मिळाला मित्रांनो और आपको बता दें ये बेहतरीन सा मुकाबला कांटे की टक्कर का होता हुआ वही अब तक बारह गेंदों में तेईस रनों की जरूरत मुकाबले में नामुमकिन यहाँ कुछ भी नहीं बड़े शॉट्स भी आ सकते हैं विकेट्स भी आ सकती है वहीं आपको देखना होगा कुछ ही क्षणों में और आप कैमरामैन की नजरों में यहाँ पे खचा खच बड़ा हुआ ये स्टेडियम पब्लिक मौजूद बेहतरीन सा संख्या यहाँ दीवारों पे छतों पे खड़े रह के देखा जा रहा है ये मैच सीजन एट का और अगला जो मुकाबला है कुछ फैंस उस टूर्नामेंट के उस मैच के लिए भी मौजूद क्योंकि अगला मुकाबला कुछ ईशनों में होगा उसके पहले देखते हैं इसका क्या होता है इस मैच का नतीजा प्रतीक भाई तो बारह में तेईस लग रहे हैं पहली गेंद देखते हैं किस तरह होती है तो सफल हुए मिड मिडविकेट के क्षेत्र में खेल दिया वहां पर डाइव लगाया गेंद गई है का बार चार के लिए। पहली देखते किस तरह होती है तो सफल हुए मिड मिडविकेट के क्षेत्र में खेल दिया वहां पर तो देखा जाए तो जहाँ पे लग रहे थे तेईस रन बारह गेंदों में पहली गेंद में प्रथमेश ने इरादे जता दिए कि यहाँ से आतिशबाजी होंगी पहले गेंद पे चार पे थोड़े मिस फील्डिंग भी देखने को मिली अगली गेंद 11 में 19 फिर से एक बार शक्कर हुए ऊपर रूटी गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी विकेट का पतन एक तेरी तो एक मेरी उन्नीस। फिर से एक बार शब्द हुए ऊपर उठी गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी देखा जाए तो पहली गेंद में चार आया था उसके बाद वापसी की गेंदबाज इन्होंने और जता दिए कि अगर चार आप लगा सकते हैं तो हम भी विकेट ले सकते हैं उसी तरह का प्रमाण यहाँ से इक्वेशन बता दो अभी दस गेंदे बची इस मैच की दस गेंदों में लग रहे हैं उन्नीस शक्ति एंड से लेके आएंगे गेंदबाज और सौरभ ने रिवर्स कर दिया है वहां पे वन हंड्रेड बेहतरीन अटेम्प्ट देखने को मिला और सौरभ को जाना होगा डकआउट में वापस बेहतरीन कैच इसी एंड से लेके आएंगे गेंदबाज और संकेत सौरभ ने रिवर्स कर दिया है वहां पे वन हैंडेड टू हैंडेड बेहतरीन अटेम्प्ट देखने को मिला और सौरभ को जाना होगा डकआउट में वापस बेहतरीन कैच तो देखिए संकेत की पहली गेंद थी उस गेंद के ऊपर मिड विकेट के क्षेत्र में चार लगाया था प्रतिमेश ने उसके बाद प्रतिमेश का एक बेहतरीन कैच देखने को मिला उसके बाद फिर एक बार स्लिप के क्षेत्र में कैच देखने को मिला तो बैक टू बैक दो गेंदों में दो कैच देखने को मिले और अभी संकेत है हैट्रिक के ऊपर नौ गेंदे उन्नीस रन तो नाइन गेंदे बचे इस मुकाबले की नौ गेंदों में लग रहे हैं उन्नीस रन मानो कि मुकाबला पूरी तरह चांद की तरह चांदनी की तरह होता हुआ इस मैदान के ऊपर नाइन गेंद और उन्नीस रन संकेत है गेंदबाजी के ऊपर उनको है हैट्रिक का ये मौका हैट्रिक चांस है देखते हैं इस मुकाबले में हैट्रिक हो पाती है या नहीं लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी देखने को मिली नौ गेंदे उन्नीस रन अगली गेंद डॉट आती हुई गेन हो सकती है जी हाँ अर्पित आए थे बल्लेबाज करने और यहाँ पे डॉट गेंदे यहाँ से लग रहे हैं आठ गेंदे उन्नीस रन इस मैच की आठ गेंदे और उन्नीस रन बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली सभी गेंदबाजों द्वारा चाहे यश हो चाहे नीलेश हो चाहे संकेत हो तो दो गेंदे बचे इस ओवर की और दो गेंद में देखते हैं क्या कर पाते हैं बल्लेबाज के क्षेत्र में डाली हुई गेंद अच्छी गेंद इस ओवर में पांच गेंदे का अच्छे देखने को मिली स्लॉग ओवर में किस तरह गेंदबाजी की जाती है उसका पूरी तरह प्रमाण साबित करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज संकेत अंतिम गेंद इस ओवर की और सात गेंदों में लग रहे हैं उन्नीस रन और चाहेंगे कि एक बड़ा हिट हो क्योंकि आशुतोष भी दूसरे एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम गेंद क्षेत्र में खेल लिया रन नहीं भागेंगे जानते हैं कि यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी संघ के द्वारा मात्र चार रन खर्च किए दो सफलता प्राप्त की अब छह गेंदे और उन्नीस रन ये मुकाबला इस तरह बनता हुआ छह गेंदे उन्नीस रन तो चला यान न सुधा सामना है डीजे तो देखा जाए तो अंतिम और यहाँ पे लेके आएंगे राज जिन्होंने बेहतरीन ने मुकाबले में फील्डिंग की थी और माना की सर टीम के वो जॉन्टी रोड है देखते हैं उनके ऊपर ये जवाबदारी और लग रहे हैं यहाँ से छे गेंदे उन्नीस रन सामने होंगे बल्लेबाज आशुतोष क्या ये चमत्कारी मुकाबला हो सकता है क्या चमत्कारी पारी यहाँ पे आशुतोष अर्पित खेल सकते हैं ये छह गेंदे फैसला करेंगी देखते हैं राज की अगली गेंद सामने होंगे राइट एम बल्लेबाज आशुतोष पहली गेंद वहां पे खेल दी है गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क छे के लिए इसका मतलब यह है कि अब लग रहे हैं पांच में तेरा डीजे शुरुआत तो हो चुकी है देखते हैं अंत किस तरह होता है तो जहाँ पे दरकार थी 6 में उन्नीस की वहां पे आशुतोष ने लगा दिया है पैला और खुशी की लहर तंदूरी किचन्स के संपूर्ण खेमे में अब इक्वेशन बता दो आप सभी को पांच गेंदे और तेरह रन की दरकार ये पांच गेंदे देखते हैं किस तरह होती है तो काफी महंगे साबित हुए राज पहली गेंद पे पांच गेंदे संपूर्ण श्रीराम सेना की टीम के फैंस में भी हलचली नजर करते आते हो रही है और देखते हैं यहां से ये पांच गेंदे किस तरह होती है तो पांच में लग रहे हैं कौन सा मुकाबला होता है मेरा यही बल्लेबाज सोचेंगे आशुतोष और अर्पित दूसरी गेंद शक्ति एंड से लेके आएंगे गेंदबाज राज सामने होंगे बल्लेबाज आशुतोष पहली गेंद में सिक्स लगा चुके हैं देखते हैं दूसरी गेंद किस तरह होती है तो कॉन्फिडेंस तो पूरा हाई होगा बल्लेबाज आशुतोष का दूसरी गेंद इस ओर की स्लोर डाली गेंद स्टेट के क्षेत्र में खेल ली है गेंद आई है आउट ऑफ रो यहां से लग रहे मात्र बल्लेबाज आशुतोष का दूसरी गेंद दो गेंदों में दो सिक्स दीजिए दो गेंदों में दो सिक्सेस लगा के अपने टीम के खुशी लाते हुए गेंदबाज करना बल्लेबाज आशुतोष अगली गेंद फिर से एक बार ऊपर है क्या हैट्रिक होती है या कैच होता है और ये तीसरा सिक्स स्कोर लेवल यहाँ पे होता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी राजद्वारा डीजे 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 तो चला तंदूरी किचन संघाचे प्रशंसक मैदान से बाहर तंदूरी किचन संघाचे प्रशंसक तंदुरुस किचन के कप्तान अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें आप तंदुरुस किचन के कप्तान लियोन भाई तंदुरुस क्रिकेट संघाजे खेलो तो ते बैरिकेट से बाजू लावा जर तुम्हीं क्रिकेट खेल जी रिस्पेक्ट करता संतर तो चलिए मुकाबला तीन गेंदे और एक रन अच्छी गेंद वहां पे 22 के रूप में और यहाँ पे ये मुकाबला तंदूरी की ने जीत लिया है और इस मैच के हीरो आशुतोष वेल well प्लेड और बेहतरीन मुकाबला ये म्यूजिक सेक डीजे बहुत ही बेहतरीन सा मुकाबला यहाँ पे और प्री क्वार्टर फाइनल्स यानी नॉकआउट की स्टेज में पहला मुकाबला था जो आज यहाँ पे श्रीराम सेना और तंदूर्स किचन के, के बीच में खेला गया वहीं पे रन चेस करते हुए मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी ओर किया है और अगले दौर में जगह बनाई क्वार्टर फाइनल के लिए पहली टीम जो क्वालीफाई हुई है तंदूर किचन वही कप्तान तंदूरी किचन के कप्तान जल्द से जल्द प्लेयर ऑफ द मैच जग के पास आए हमारे अतिथिगंज स्टेज पे मौजूद है प्लेयर ऑफ द मैच आप ही की टीम से दिया जाएगा राहुल आप इधर ध्यान दें जरा और बी एस स्पोर्ट्स के कप्तान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाएं आप सभी को बता कि आरपीसीएल सीजन एट का ये